क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ये देखिए जी फिगर हमारे पास ये है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक लाइन सेगमेंट दी गई है. यहां पे S पॉइंट है और यहां पे P है, सॉरी लाइन दी गई है, और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R. अब उसने कहा एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, मतलब ये एंगल इसके इक्वल. ठीक है, प्रूफ दैट एंगल PQS, हमें ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू PRQ. क्या टाइम पास क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता था. आपको एक बात बता दूं, एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये अगर दो एंगल्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस के उन्हीं एंगल्स के एडजेसेंट जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. कैसे, वो आई समझते हैं. इसी बात में आपको एक प्रॉपर्टी याद हो जाएगी. मेरे पास क्वेश्चन में दिया ये एंगल इसके बराबर, मैं इसको एंगल वन और टू कह लूं. Yes, तो मेरे पास गिवन में क्या आया, एंगल वन इक्वल टू एंगल, और मांगा क्या गया मेरे से एंगल थ्री और एंगल फोर. टू प्रूफ में क्या मांगा गया है, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. सही है, बहुत इजी क्वेश्चन, दो लाइन का आंसर है. अगर पहले नोट नहीं करना, पहले समझना, प्रूफ में आ जाओ. प्रूफ में एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या होगा, बोलो. मेरे चेहरे पे आंसर नहीं है, यहाँ आंसर है. वन प्लस थ्री क्या होगा, 180. क्यों, सूरज बन रहा है, लीनियर पेयर होगा क्या नहीं होगा. आ जाओ अगला, एलपी को लीनियर पेयर. एंगल टू प्लस एंगल फोर क्या होगा, इसमें कोई शक, बोलो. अब आज फिर नोट कर रहे, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आधी चीजें तो आप लोग मैथ में ऐसे गवा लेते हो, कॉपी करने की पड़ी है. ये 180 के बराबर, ये 180 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ही नहीं होंगे. सो देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर. सही है, वन और टू क्या है आपस में, तो मैं वन और टू को कैंसिल कर दूं. yes, क्योंकि दोनों सेम है, बोलो. yes, दोनों सेम है. रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, सो बचा कौन, एंगल हेंस प्रूफ. ये देखो जी गिवन में पहली लाइन, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है. ठीक है,